विधायक बनते हैं तीन तीन पेंशन एक साथ लेते हैं, लेकिन जहां कर्मचारी शिक्षकों का पेंशन की बात आती है तो वहां उनको नई पेंशन देते हैं, और नई पेंशन पूरी तरीके से शेयर मार्केट पर आधारित है जो कभी भी गिर सकती है। इसीलिए हमारा सरकार से बात आप बोल देंगे तो लोग नहीं बोल पाएंगे भैया, फिर दूसरे के पास चला जाऊंगा। छोटा छोटा बोलिए, पहले बोला हूं तो आप कैसे गर्दा उड़ाएंगे। इस शासन का 5 साल बीतने को है और बेसिक शिक्षा में लगभग बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जो जनपद में ही रहकर 150 से 200 किलोमीटर का आना जाना रोज होता है, जिसमें उनको शारीरिक मानसिक और आर्थिक समस्याएं आती रहती हैं। तो हमारा यही मांग है कि कम से कम जिले के अंदर स्थानांतरण किया जाए और शिक्षकों को राहत दी जाए। हमारी मांग पुरानी पेंशन है और फर्क साफ है इस सरकार में, साफ है। और देखिए, पहले पुरानी पेंशन मिलती थी, अब नहीं मिलती है। परिवार नियोजन भत्ता मिलता था, अब नहीं मिलता है। शिक्षा मित्रों का जो नियमितीकरण हुआ था, शिक्षक बने थे उनका वेतनमान 35,000-40,000 हुआ था, अब वो पुनः 3500 पे आ गए। तो फर्क साफ दिखाई पड़ रहा है। और इस तीनों कानून जो कृषि के चालू कानून थे और जब सरकार ने इसको वापस लिया तो हम शिक्षकों और कर्मचारियों को लग गया कि सबसे सरकारें तानाशाह होती हैं, इनके को और की चोट समझ में आती है। तो इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है, जो हमारी मांग मांगेगा वही प्रदेश पे राज करेगा। वैसे आपने जो है फर्क साफ का जो है एक पार्टी का कैंपेन चल रहा है, फर्क साफ है, आपने फर्क साफ करके गर्दा उड़ा दिया। आपके पास भी तकती छोटा कोई जी, मैं यहाँ ये चाहता हूँ, लगातार कर्मचारी हुए शिक्षक हुए 4.5 वर्षों से लगातार धरने पे हैं, अपनी माँओं के लिए लखनऊ में कई बार जा चुके हैं, अपनी माँओं के लिए सरकार इतना संवेदनहीन हो गई है, माँओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम आपके हर कार्यक्रम हर योजनाओं को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं, हमारी एक छोटी सी भी मांग आप नहीं पूरी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन के लिए तो हम लड़ी रहे हैं, हमारा एक भी मांग यहाँ तक कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूरे साल में नहीं हुआ। हमारे ब्लॉक में शिक्षक तमाम जो है जो बहुत दूर दूर है उनका स्थानांतरण नहीं किया, 150-200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सर मेरा कंसर्न ये है कि स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुआ है, कोरोना ओमिक्रॉन सर पर है, अगर 2025 परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या फिर गंगा